नमस्कार, मैं सिमरन और आप देख रहे हैं ईटी न्यूज भारत। आई नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। खबर यूपी के जालौन। खबर जालौन से है, जहां अपने पति को जान से मरवाने वाली पत्नी 3 शूटरों के साथ गिरफ्तार हो गई है, जिसको लेकर पुलिस ने खुलासा किया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार एवं पुलिस महानिदेशक के निर्देशन पर ऑपरेशन त्रिनेत्र के अंतर्गत सीसी कैमरे की मदद से कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ मिली है, जिसमें एसओजी और सबलाइन टीम का काफी सहयोग रहा है। जिसका खुलासा करते हुए एएसपी असीम चौधरी ने बताया है कि पत्नी ही निकली अपने पति को मरवाने वाली, जिसको गिरफ्तार किया है और 3 शूटरों को भी गिरफ्तार किया है, जिनको जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। देखें एक रिपोर्ट। साथियों, जैसे आप लोग अवगत हैं, दिनांक 12 अगस्त को उरई शहर में एक सनसनीखेज घटना हुई थी। अटेम्प्ट टू मर्डर का केस था। इस घटना को जालौन पुलिस ने चुनौती के रूप में लिया और इस ब्लाइंड केस को आज वर्कआउट किया है। इस घटना के खुलासे के लिए एसओजी कोतवाली पुलिस की टीमें लगी हुई थी। घटना ब्लाइंड थी, उसको वर्कआउट करने के लिए सर्वेलेंस व सीसीटीवी कैमरास की मदद ली जा रही थी। इस घटना के खुलासे में पुलिस ने करीब करीब 150 सीसीटीवी खंगाले। उस मेहनत में पुलिस को एक लीड मिली, उस लीड पर पुलिस ने काम किया और ये घटना का आज सफल अनावरण हुआ है। पूछताछ में जो षड्यंत्र सामने आया है वह यह था कि पत्नी गृह कलेश के मारे परेशान थी इतनी कि उसने अपने पति की हत्या कराने के लिए अपने एक मित्र के साथ षड्यंत्र रचा। उसका वो मित्र जो था, उसके विद्यार्थी जीवन का साथी था, उसके साथ षड्यंत्र रचा। 8 लाख में सूत्रों से बात हुई कि हत्या करने के लिए, और उसी क्रम में 12 अगस्त सुबह जब वो पति अपने पुत्र को टहलाने बाहर निकला था घर, तब उस समय उसने गोली चलाई थी। इलाज के लिए पुलिस तत्काल घायल को इलाज के लिए ले गई और वो आउट ऑफ डेंजर है इस समय। और घटना का सफल अनावरण करते हुए पुलिस ने 4 अभियुक्तों को शरण में शामिल किया। खबरों को देखने के लिए